बीजेपी आए आए, बीजेपी आए आए, बीजेपी आए आए, वाटर बस आए आए, वाटर बस आए आए, वाटर बस आए आए, वाटर बस आए आए, जो पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, जो पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो रमजान में पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, बीजेपी आए आए, बीजेपी आए आए, बीजेपी आए आए, वाटर वर्क्स आए आए, वाटर वर्क्स आए। आज हम अंदर कोट वार्ड नंबर 9 से यहाँ पर सारे लोग जितने भी हैं वो सब आए हैं धरना देने के लिए, वाटर वर्क्स के अंदर ज्ञापन देने के लिए आए कि हमारी जिला कलेक्टर साहब से एक मीटिंग हुई थी सारे पार्षदों की, उसके अंदर एक्सीएन साहब ने ये कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर दूंगा, प्रेशर की आपकी समस्या है। आज उसको एक महीने करीब होने आ रहा है, ना तो कोई अधिकारी वहाँ सुनने के लिए आया, ना कोई देखने के लिए आया हमारे को। रमज़ान का महीना है, आप सब जानते हैं कि रमज़ान के अंदर मुस्लिम एरियों के अंदर पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, हम लोगों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं उसके अंदर वज़ू की ज़रूरत रहती है, सुबह उठ के आदमी नहाता है। हमारे यहाँ पानी ऐसा आता है कि आपको क्या बतलाऊँ कि एक मटका किसी के घर में नहीं भरता है, एक मटका किसी के घर में नहीं भरता है। अगर एक्सीन साहब को या किसी दूसरे अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाने की स्थिति में नहीं है वो। अभी आपके सामने 2 फ़ोन कर दिए एक्सीन साहब को, लेकिन फ़ोन ही उठाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं तो अब सीएम साहब की मानेंगे क्या, ये किसकी मानेंगे ये लोग? इनको तो सरकार का ऐसा नशा सवार है कि ये किसी के सुनने के लिए राज़ी नहीं है। हमारा तो फिर एक दफ़ा निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि हमारे यहाँ रमज़ान का महीना है, रमज़ान चल रहा है, हमारे यहाँ पानी की समस्या हल करवाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।